दिल्ली के द्वारिका से लेकर के जो रोड बनाना था, जो रोड बनाना था उसका 18 करोड़ था, रिवाइज करके उन्होंने 250 करोड़ प्रति किलोमीटर बनाया है। तो सबसे भ्रष्टाचारी तो वही है, और उससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी अमित शाह आदरणीय प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी है। उन्होंने उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है आयुष्मान कार्ड, लेकिन एक ही नंबर पर 8.5 लाख, केवल 10 × 9 पर 8.5 लाख आयुष्मान कार्ड का खाता खुला हुआ है, और सारा पैसा पुनः घुरा करके ले जाते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज में, आपके साथ तन्वी अलम। देखिए, भीम संवाद आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय दौरे पे बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णिया में। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य से आप पूर्णिया पहुँचे। सर, सबसे पहले लाइव सिटीज में स्वागत है आपका। पहले मैं आपके चैनल को, आपके जो भी कर्मी हैं सबको धन्यवाद देता हूँ, बिहार सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से। तो आपने जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुँचे। ये भीम संवाद संसद कार्यक्रम 5 नवंबर को वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजन किया गया है, और उसी के दरमियान हम पूर्णिया पहुँचे हैं। अररिया भी गए थे, कटिहार भी गए थे, आज पूर्णिया में हैं। पूर्णिया में सभा को संबोधित करके और जनता के बीच जो भ्रम फैलाने वाली पार्टी है बीजेपी, इनको बेनकाब करेंगे। अच्छा, इसलिए बेनकाब करेंगे कि जितने भी सरकारी संस्थाएं थी, आरक्षण थी, सबको ख़त्म कर दिया है। सबको रेल बेच दिया है, तेल बेच दिया है, हवाई अड्डा बेच दिया है, और जो भी आउट संस्थाएं थी सबको आउटसोर्सिंग कर दिया है, जिसके चलते SC ST समाज, अति पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज को आरक्षण ख़त्म हो गया है जी। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान, उसको भी इस संशोधन करने और आरक्षण को ख़त्म करने का जो साजिश चल रहा है RSS और BJP के द्वारा, उसको जनता के बीच मैसेज दे रहे हैं। जो आपने, आपके वंशज का, आपके पूर्वज का जो संविधान लिखा हुआ था, उसको ही ख़त्म करने वाले हैं BJP वाले। अच्छा, इसी का मैसेज देने के लिए आया है। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा और कब से शुरू किया गया? ये कार्यक्रम खास करके मैं 7 जुलाई से कर रहा हूँ जी। 7 जुलाई से पूरे बिहार के लगभग में 20-22 जिला हम घूम चुके हैं जी। गया से शुरुआत किए थे, गया जी मोक्ष के धरती से जी। और वहाँ से घूमते घूमते अररिया, पूर्णिया, कटिहार तक, आज पूर्णिया उपस्थित है, और यहाँ जनसैलाब उमर जाती है, चाहे कटिहार हो, पूर्णिया हो, जिस भी जिला में गए हैं, 10,000, 20,000, 25,000 के आबादी में SC ST अति पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के लोग आते हैं। और ख़ास बात इससे हुआ है फायदा, जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2006 में एकल पद पर आरक्षण, पंचायत समिति, जिला परिषद प्रमुख बनाने का काम किया, और उससे ज़्यादा खुशी की लहर माननीय मुख्यमंत्री को, खास करके टोला स्वयं सेवा विकास में तालीमी मरकज के लोग धन्यवाद देते हैं जी। जो हम लोग गरीबी के जंजीर में बंधे हुए थे, और एकाएक 2 गुना वेतन किया है, इसके लिए भी काफ़ी खुशी है। और चाहे आशा हो, ममता हो, इसका भी देखा गया है, KRP को भी देखा गया है, और बात चल रही है आंगनवाड़ी की, वो भी, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र तो समाज कल्याण केंद्र प्रायोजित योजना है, और केंद्र सतुल्यपन व्यवहार करके जो भी केंद्र प्रायोजित योजना है बेवजह बिहार सरकार पर वोट डालती है। और आज ही के दिन
केंद्र से लगभग 107 योजना बेवजह दे दिया है, जिसका भार बिहार सरकार को उठानी पड़ती है। इसलिए केंद्र की जो भी योजना है, जो चलने लायक होगा, उस पर कार्रवाई होगी। जनता के बीच में जो लाभदायक योजना होगा उसको बिहार सरकार एक्सेप्ट करेगी, और जो बेवजह योजना थोपा जा रहा है बिहार सरकार पर, उस पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आरक्षण देने का काम किया और दिवाली से पहले सभी शिक्षक कर्मियों को एक खुशहाल मैसेज देने का काम किया, क्या इससे लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव है कहीं परिवर्तन होगा? अरे भाई, बीजेपी कहीं सुफरा साफ होने वाला है पूरे देश में? ये जुमलेबाज सब जो जितने कर रहे हैं, ये सब बेनकाब हो जाएगा। और अमित शाह कहते हैं, गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, हम भ्रष्टाचारियों को खात्मा करेंगे। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो वही है जिन्होंने दिल्ली के द्वारिका से लेकर के जो रोड बनाना था उसका 18 करोड़ था जी एस्टीमेट, और उसको एक्सटेंशन करके, रिवाइज करके उन्होंने 250 करोड़ प्रति किलोमीटर बनाया है। तो सबसे भ्रष्टाचारी तो वही है। अच्छा। और उससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी अमित शाह, आदरणीय प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचारी है। उन्होंने उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है आयुष्मान कार्ड, लेकिन एक ही नंबर पर 8.5 लाख, केवल 10 × 9 पर 8.5 लाख आयुष्मान कार्ड का खाता खुला हुआ है, और सारा पैसा पुनः घुरा करके ले जाते हैं, और जो भी भ्रष्टाचारी को अपने साथ मिलाते हैं उसको पैसा देकर खरीदते हैं। सबसे भ्रष्टाचारी अगर देश में है पार्टी कोई, तो वह है बीजेपी। हर वर्ग, हर क्षेत्र में वो भ्रष्टाचारी है, चाहे जो भी क्षेत्र में वो काम करता हो, सब में भ्रष्टाचारी है। तो सुना आपने, हमारे साथ थे बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आरक्षण महिलाओं को दिया गया, इससे लोकसभा चुनाव में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। और बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने साफ साफ कहा कि अमित शाह से बढ़कर भ्रष्टाचारी इसमें कोई नहीं है। लाइव सीरीज के लिए दिल्ली के द्वारिका से लेकर के जो रोड बनाना था उसका 18 करोड़ था, रिवाइज करके उन्होंने 250 करोड़ प्रति किलोमीटर बनाया है। तो सबसे भ्रष्टाचारी तो वही है, और उससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी अमित शाह, आदरणीय प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचारी है। उन्होंने उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है आयुष्मान कार्ड, लेकिन एक ही नंबर पर 8.5 लाख, केवल 10 × 9 पर 8.5 लाख आयुष्मान कार्ड का खाता खुला हुआ है, और सारा पैसा पुनः घुरा करके ले जाते हैं।